चलो बेटा आप कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे मिक्स सम। अब ये अपने सेक्शन की विभाग ई के सम नंबर 6 पहले ही बोला है आप लोगों को, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 डिफरेंशिएशन विकलन। कॉमन लेक्चर है तो थोड़ा ध्यान देना, अपनी अपनी चौपड़ियां खोल के बैठना। सवाल दिया है C इज इक्वल टू 1/10 x³ - 4x² + 50x + 300। तो गुजराती मीडियम, खर्च माटे न्यूनतम खर्च शोधो। इंग्लिश मीडियम, फाइंड आउट या डिटरमाइन मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम बोला है तो तीन स्टेप अपने कॉमन रहेंगे। सबसे पहला स्टेप डीसी डीएक्स, ध्यान देना एक ही चीज नहीं करूंगा, तो ये चीज यहां आ जाएगी 3x² / 10 - 4 2 8x + 50। क्लियर हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था, डीसी डीएक्स इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लो, धार लो। तो अब मैं देखो क्या करता हूं, थोड़ा समझना, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है यहां से। 3x² / 10 - 8x + 50 = 0। पर प्लस माइनस का रूल ऐसा है कि नीचे सब में कॉमन होना चाहिए, तो अपने क्या करेंगे ध्यान देना, 3x² - 80x + 500 / 10 = 0। देखो एक में था, मैंने इसको इससे 10 से गुणा करा कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉमन है 3x² - 80x + 500 = 0। 0 कहां से आई, ये वाली चीज ऊपर जाएगी, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। अब आगे के जितने भी सम करे थे वहां सिंपल वैल्यू थी। अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, अवयव पढ़ने पड़ेंगे, तो चलो पढ़ के देखते हैं। 3x² - 5 = 15 - 50x - 30x + 500 = 0। कॉमन क्या है, एक्स 3x - 50 - 10। तो आपका जवाब क्या आया, 3x - 50 x - 10 = 0। तो यहाँ पे तुमको x की दो रकम मिलेगी, 50/3 या तो x = 10। अभी तक सब में आपको x एक मिलता था, क्यों मिलता था, क्योंकि वहां पे अभी तक फैक्टर्स पड़े नहीं थे। मैंने बोला ना कुछ भी हो सकता है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, d²c / dx². तो क्या करेंगे, जो dc dx आया हमारा उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 2 6x / 10 - 8। क्लियर, अब कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल है। क्या करेंगे, हमारे पास x अवेलेबल है तो x की कीमत डाल देंगे। तो ध्यान देना मैं किस प्रकार करता हूं, ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x = 50/3, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, x = 10, क्योंकि यहाँ पे दो बार है। आगे के जितने भी उदाहरण थे उसमें इलस्ट्रेशन में एक बार आता था, तो एक में डाल देंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। देखो 6 × 50/3 - 8/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 × 6 = 300। कितना, 300 / 3। 100 - 8/10। 100 - 8 = 90। 100 - 8 है, बाजू में आ इस प्रकार है, ब्रैकेट के बाहर है -8, तो 16 × 10 = 10, 10 - 8 = 2। तो 2 आपका 0 से बड़ा है, 2 आपका 0 से बड़ा है।
क्लियर। अब ये वैल्यू में डाल के देखते हैं, 6 × 10 − 8 / 10 60 का छेदमा 10 6 − 8। तो आपका आंसर क्या आया? -2। -2 जीरो से छोटा है। तो आपको सवाल क्या पूछा है? सवाल मोहरा तो है, इसमें से दोनों एक्स को नहीं ले सकते, कौन सी कीमत आएगी? तो ध्यान देना, सवाल पूछा है मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम खर्च, न्यूनतम। तो न्यूनतम कब होगा? जब तुम्हारा आंसर जीरो से बड़ा होगा, यानी जब तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू 50/3 है, जहां पे 2 आपका जीरो से बड़ा है, तो ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट आपका, ये कॉस्ट आपका न्यूनतम है, कौन सा है? मिनिमम है। क्लियर? कुछ नया नहीं करा, वही स्टेप पर है। पहले डीसी डीएक्स करा, उसके बाद इज इक्वल टू लगा के बाद आगे के भी समय रखी बुक में, यही समय सर इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज में। बाकी आगे तुम करोगे तो डायरेक्टली एक्स की एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आपका मिनिमम पूछा हो तो मिनिमम, मैक्सिमम पूछा हो तो मैक्सिमम। सेम चीज सम नंबर 7 में पूछा है। सवाल क्या दिया है? खर्च यानी सी इज इक्वल टू 1000 + 8x + 5000 / x। फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम खर्च, नहीं कीमत शोधो। कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देना। पहले तो मैं सवाल को बराबर सेट करूंगा, मेरा पहले लेक्चर में ध्यान देना। +8x + 5000, नीचे वाला x ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब वो स्टेप रिपीट करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप डीसी डीएक्स, इसका तो मुझे आएगा ही नहीं। 8 × 1 = 8 -5000 × -2 कहां से आया? -1 − 1 − 1 − 2। तो तुम्हारा डीसी डीएक्स का जवाब क्या आया? 8 − 5000 / x2। क्लियर? पहला स्टेप और। अब स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? डीसी डीएक्स इज इक्वल टू 0 डाल दो। चलो 0 डाल दो। तो डीसी डीएक्स के बदले मैंने क्या लिखा? 8 − 5000 × x² = 0। आप इस देखो माइनस की साइन है, तो ये x को इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आगे बताया वही 8x² − 5000, ये x² तुम्हारा कॉमन हो गया, इज इक्वल टू 0। अब सीधी बात है, 8x² − 5000 = 0, ये वाली चीज यहां जाएगी तो चली गई। तो 8x² = 5000, कहां से आया? माइनस वाली चीज यहां आ गई। x² = 5000 / 8, कैलकुलेटर में करो 5000 / 8 तो कितना आया? 625। आपको x की रकम मिल गई, x की रकम कितनी आएगी? वर्गमूल डालो तो x = 25। यार तुमको आगे सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा x 25 होगा तो तुम्हारी कीमत भी उतना होगी, मिनिमम होगी। अब इसके बाद कौन सा स्टेप आता है? d²c / dx² तो किस पे से निकलेगा? इस पे से ही कंटिन्यू होगा। तो देखो ये 8 था, ये भी चलेगा, -5000 × -2 -5000 × -2 तो क्या हो जाएगा? 10000 × -3 -3 कहां से आया? -2 − 1 − 3 तो तुम्हारे जवाब कैसा आया? 10000 / x³। अब सीधी x की रकम हम डाल देते हैं, x की रकम हम डाल देते हैं 1000 / 25 का क्यूब। तो डायरेक्टली लिख देंगे कि यहां पे 1000 / 25 का क्यूब जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो जब तुम्हारी एक्स की रकम 25 होगी तो आपका खर्चा न्यूनतम होगा, आपका खर्चा न्यूनतम होगा। सब नंबर 8, c = 1500 + 0.05x − 2√x। अगेन खर्च, मिनी कॉस्ट, सवाल दिया है मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम खर्च। कुछ नया नहीं, तीनों तीन दाखले देखो, तीनों तीन दाखले सेम है। चार स्टेप करे, डीसी डीएक्स,
सी डी एक्स बराबर जीरो रखते, फैक्टर पढ़ने क्या हो तो फैक्टर अवयव पाड़ो, सीधी रकम मिलती है तो सीधी रकम दो। तीसरा स्टेप डी स्क्वेयर, जो जवाब आया तुम्हारा पद दिया। आगे सवाल थोड़ा अजीबोगरीब है तो सवाल को अपना सही तरीके से सुधारेंगे। 1500 प्लस 0.05x माइनस 2x 1/2, इसका मतलब वही बताया। अब कुछ नया नहीं करना है। स्टेप नंबर वन डीसी डीएक्स, इसका तो जाएगा ही नहीं, यहां पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या आएगा 0.05। अब माइनस की साइन है, अब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखो मैं यहां करके बताता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 गया तो सिर्फ क्या आया 1x माइनस 1/2। सॉरी माइनस 1/2 कहां से लेके आया तो भाई चेक करो ना, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये चीज यहां जाएगी, यहां जाएगी तो 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो -1/2। ये शुरुआत के लेक्चर देखोगे तो खबर पड़ जाएगी कैसे करते हैं, x बोलो dy/dx बोलो, ये वही चीज। तो तुम्हारा आंसर क्या आया 0.05 माइनस, अब जब माइनस है तो मैं x को कहां ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, x इज इक्वल टू 1/2, माइनस वाली चीज प्लस हो गई। इसको भी जो सही तरीके से सुधारना चाहो तो आप सुधार सकते हो, रख छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आज क्या होता है 1/2 का मतलब रूट एक्स, ये पहला स्टेप हुआ डीसी डीएक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप डीसी डीएक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, हर समय यही करा, कोई नवा स्टेप है ही नहीं, 0.05 माइनस 1/√x इज इक्वल टू 0। अब चेक करो वापिस कौन सी साइन है, माइनस, तो ये वाली चीज मल्टीप्लाई होगी 0.05√x माइनस 1, देखो दोनों का रूट जैसा हो गया कॉमन, क्लियर। ये स्टेप तुमको नहीं बताना है, मैं इसके लिए बता रहा हूं तुमको पता चले कि x गायब कैसे हो जाता है, बाकी तुम डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो 0.05√x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट तुम इसके बाद ये लिख सकते हो, मगर ये बताने का कारण क्या खबर पड़े कि यहाँ बीच में साइन कौन सी थी, प्लस माइनस तभी होगा जब दोनों का डिनोमिनेटर छेद सेम होगा, तो छेद करने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई चौकड़ी गुणाकार करा, क्लियर। तो ये वाली चीज से मल्टीप्लाई करो तो 0। अब देखो स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, आप लोग एक स्टेप उड़ा सकते हो, इज इक्वल टू 1 आशा है ये वाली चीज यहां गई, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 1/0.05, तो रूट एक्स इज इक्वल टू करके देखते हम लोग 1/0.05, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 20, और हमको रूट एक्स की जगह सब में क्या चाहिए था एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 400, कहां से आया यहां से रूट गया यहां पे स्क्वेयर आ गया, सेकंड स्टेप पूरा। थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है डी स्क्वेयर सी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वेयर, तो ये किस पे से निकलेगा डीसी डी एक्स पे से निकलेगा, आप तो इसको ही कंटिन्यू कर देते, 0.05 था वो भी गया, अब देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2x -1/2 -1, तो क्या आएगा -3/2, तो आपका आंसर क्या आया, इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम अच्छे से सॉल्व करोगे आगे के लेक्चर देखना तो आपका जवाब आएगा 1/2 × x - 3/2, इसका मतलब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2 × x 3/2, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू कितनी है 400, तो कुछ नहीं करेंगे ए वैल्यू में डाल देंगे 1/2 × 400 3/2, 1 × √2/3/400, तुम इस प्रकार से इसकी वैल्यू डाल दोगे। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी तुम चेक कर सकते हो ये आंसर तुम्हारा माइनस में नहीं आया, 0 से बड़ा है, तो डायरेक्टली तुमको मिनिमम कुछ अलग लिख देंगे कि इफ जारे x इज इक्वल टू 400 असे
अने 8 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 400 3 अपॉन 2 0 से वधु छे 0 से बड़ा है 0 से जवाब है तुम्हारा 0 से बड़ा है तो आपका खर्चा आपका खर्चा आपका खर्चा न्यूनतम होगा आपका खर्चा न्यूनतम होगा ना 0 से छोटा हो तो मैक्सिमम होगा महत्तम होगा क्लियर। ये तुम्हारा आईएमपी सम ओवर हुआ कि जब x की कीमत 400 थी तुमको छोटा स्टेप की जरूरत नहीं है। तीनों तीन सम देख लो भले सम अलग थे मैंने स्टेप कॉमन रखे इसके लिए बोला कि अगर आपने पहला दूसरा तीसरा लेक्चर चैप्टर का मेरा देखा होगा तो ही आपको ये सब करने में इजी रहेगी वरना ये स्टेप में तो कुछ नवा नहीं स्टेप तो सब में ही कॉमन है तुमको डीवाई डीएक्स एफ डेस एक्स करते सिखाया भी नहीं तीन चार लेक्चर अपलोड किए तो वो लेक्चर पे तुम ध्यान दोगे तो ही तुम उसको कम्प्लीटली सही तरीके से कर पाओगे। अब देखो सब नंबर 9 दाखला नंबर 9 क्या बोलता है इफ पी इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 10 हो तो आमदनी यानी रेवेन्यू आमदनी यानी रेवेन्यू कितनी होगी मैक्सिमम महत्तम यानी समझ जाना है कि एक्स का आंसर माइनस में आना चाहिए बराबर ये वैल्यू डी स्क्वायर एक्स आपका डी स्क्वायर एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। आमदनी पूछा है शब्दों पे ध्यान देना तीन प्रकार के दाखले खर्च आमदनी नफो कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट ये कॉस्ट वाले थे रेवेन्यू वाला है तो रेवेन्यू के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा आर आर का मतलब क्या होता है एक्स इंटू पी यही फॉर्मूला है तो एक्स कितना है कुछ दिया ही नहीं था एक्स की जगह एक्स रखा पी की जगह क्या लिखता हूं 30 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 10 तो मेरे को आर मिल गया 30x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 10 आर मिल गया। अब कुछ नया नहीं करेंगे वही स्टेप रिपीट करेंगे वो सी था तो सी से करा था ये आर एक आर से करेंगे डी आर डी एक्स 31 30 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 10 दूसरा स्टेप डी आर डी एक्स इज इक्वल टू 0 कोई स्टेप नहीं है वही स्टेप फॉलो कर जाओ ध्यान देना 30 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0 देखो इसके जैसा ही अब क्या करेंगे प्लस माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0 अब ये वाला टैंक यहां चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। मैंने बोला ये स्टेप तुम नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 300 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या माइनस 3x स्क्वायर को इधर फेंक देता हूं तो प्लस हो जाएगा बराबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 कहां से आया 300 डिवाइड बाय 3 तो x की वैल्यू मेरे को मिल गई 10। तीसरा स्टेप क्या आता है तीसरा स्टेप क्या आता है डी स्क्वायर आर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर ये किस पे से मिलेगा डी आर पे से मिलेगा ये तो कुछ है ही नहीं कुछ करने का ही नहीं माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आया माइनस 6x डिवाइड बाय 10 बहुत जबरदस्त आया माइनस 6x 3 टू 6 माइनस की साइन है डिवाइड बाय 10। अब क्या करेंगे यहाँ x आया तो x की रकम डाल देते माइनस 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 तो क्या आया माइनस 6 चेक कर लो मैंने चालू करने के पहले ही बोला था महत्तम है मैक्सिमाइजेशन है आंसर माइनस में जाना चाहिए तो यहाँ लिख देंगे कि हियर माइनस 6 इज लेस देन 0 तुम्हारा जवाब डी स्क्वायर का 0 से छोटा है तो जब तुम्हारा x इज इक्वल टू 10 होगा तो आपका जवाब महत्तम होगा मैक्सिमम होगा क्लियर। ये तुम्हारे चार सम कॉस्ट और प्रॉफिट के रेवेन्यू के ओवर होते हैं।